हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आइए जानते हैं आज हमें जानना क्या है। आप लोग ने सीटेट के बारे में काफ़ी कुछ बोला कि मैम एक वीडियो बनाइए, सारी बातें बताइए। मैं 2 दिन से नहीं कर पाई, लेकिन आज यहाँ पर आपको हर एक बात पूरी क्लैरिटी के साथ बताऊँगी, क्या करना है, कैसे करना है, कुछ निर्णय आपको ले रही हूँ, चीज़ें आपकी हो जाएंगी। तो 2 दिन नहीं कर पाए, लेकिन हमें बताएंगे, अभी भी वक्त है, आराम से हर चीज़ हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पूरा वीडियो इन तक देखिएगा, फिर समझिएगा कि आपको करना क्या है, जो आपके सारे डाउट्स हैं। फिर उसके बाद भी कोई डाउट बनता है अगर, तब आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इस वक्त आप जुड़े हैं शालिनी क्लास साथ, मैं हूँ शालिनी, आप सभी का यहाँ पर स्वागत करती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो आप बताइए कि PDF आपको टेलीग्राम पर दे दूंगी मैं आज। उसके लिए टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दिया गया, जो भी ना ज्वाइन किए हो ज्वाइन कर सकते हैं और चीज़ों से अपडेट रह सकते हैं। आपको मुझे क्या बताना है, सीटेट जुलाई 2023। आप जान गए कि सीटेट का फॉर्म आ चुका है। सीटेट के फॉर्म, ये इस साल का दूसरा फॉर्म है आपका, लास्ट में आया जो पेपर जनवरी में हुआ था, लेकिन ये अभी यहाँ पर फिर है, दिसंबर में ये फिर आएगा। ठीक है, चलो देखो क्या लिखा हुआ है, वो ध्यान से देखेंगे। आपका जो ड्यूरेशन है ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो 27 तारीख से स्टार्ट हो गया, 26 मई तक चलेगा। आज हमारी 1 मई है, 27 तारीख से फॉर्म की फिलिंग हो रही है, तो 27 से लेकर 26 मई तक आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का पोर्टल है। अब आपको देखना है कि लास्ट डेट जो है वो 26 तारीख की है, फिर आपका ये लास्ट डेट फीस सबमिशन का डेट, एग्ज़ाम के डेट अभी तक क्लैरिटी नहीं है, मतलब एकदम फिक्स्ड कोई डेट नहीं, बस यही कहा गया कि जुलाई से लेकर अगस्त में, देखिए लिखा है जुलाई 2023 टू अगस्त 2023, मतलब जुलाई से लेकर अगस्त के महीने में आपको ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सिंपल सी बात। तो आपको पता है कि फॉर्म कब भरना है, आपको 27 तारीख से फॉर्म भरा जा रहा है ऑनलाइन पोर्टल पर, 26 मई तक भरा जाएगा। आपको 26 मई के अंदर पूरा 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन दिया गया, आप उसने आपको फिलअप करवा लीजिए। और आपका जो एग्ज़ाम है उसकी कोई डेट अभी नहीं, वो जुलाई से लेकर अगस्त के महीने तक चलेगा, जुलाई एंड से हो सकता है, जब भी होगा, लेकिन जुलाई अगस्त से ही शुरू हो जाएगा, लास्ट जुलाई से शुरू होगा और अगस्त तक जाएगा, ऐसा ही सिलसिला हर बार का होता है। तो आपका जो पेपर है वो उस टाइम पर होगा, और आपका जो DED का पेपर है वो जून में होगा, मई के लास्ट या जून के पहले वीक में होगा। तो उसी के बाद आपको 1 महीने का लगभग टाइम ड्यूरेशन रहेगा, आप ट्राई कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं इसके बारे में, तो ये पूरी डिटेल है, ठीक है। अब आपको चलिए मैं दिखाती हूँ कि करना क्या है। ये वही सेम चीज़ें हैं, फॉर्म के बारे में पूरी बातें बताई गई, एग्ज़ाम की डेट अभी क्लैरिटी के साथ नहीं है, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं, क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें फॉर्म्स में रहती है। बस मेन चीज़ पर ये है, एग्जामिनेशन की फ़ीस, आप सभी बच्चे एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं, डीडेड फर्स्ट सेमेस्टर वाले सारे बच्चे भर सकते हैं, आपका फॉर्म वैलिड होगा, लेकिन पहले उसके लिए आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके देना होगा, ठीक है। तो देखो, जो भी बच्चे जनरल हैं, जितने भी बच्चे जनरल कैटेगरी में हैं, उनके लिए 1000 का फॉर्म, और दोनों फॉर्म भरोगे तो 1200 का। पहला पेपर जो होता है वो 1 to 5th के लिए होता है, प्राइमरी के लिए होता है। हम लोग जो DED वाले होते हैं वो दोनों, आप DED वाले दोनों पेपर भर सकते हैं, BED वाले भरते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला फॉर्म जो है वो 1 to 5th के लिए होता है, दूसरा फॉर्म जो ये होता है वो आपका आपका 6 to 8th के लिए होता है। तो दोनों फॉर्म हम सभी लोग भर सकते हैं। अगर आप एक फॉर्म भरेंगे तो आपको एक ही पेपर देना होगा, उसके लिए आपको 1000 रुपये देने होंगे। और अगर आप चाहते हैं एक ही दिन में दोनों पेपर होगा, 1 घंटे 2 घंटे की छुट्टी होगी बीच में, उससे पहले 10 से 12 पेपर रहेगा, तो 2 घंटे की छुट्टी होगी, फिर उसके बाद फिर 2 बजे पेपर रहेगा, इस तरीके से होता है। तो आपका अगर आप एक ही पेपर देना चाहते हैं तब भी आपको 1000 रुपये पे करना होगा, और आप एक पेपर आएगा आपका। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं तो आपको 200 रुपये और देने होंगे, तो मिला के 1200 रुपये हो जाएगा, दोनों फॉर्म भर सकते हैं। तो ये जनरल वालों के लिए, जो बच्चे SC ST के हैं उनको 500 रुपये एक पेपर का, दोनों पेपर का 600 रुपये देना होगा, ठीक है। तो ये फीस का टर्म है। अब ये चीज़ें मैंने आपको क्लियरिटी के साथ बता दी, 2 पेपर होता है, 2 UPTET में भी 2 ही इसी तरीके से होता है, उसका 600 का एक पेपर, 600 का एक पेपर, 1200 का वो भी पेपर होता है, ये भी 1200 का होता है। अब देखो, अब आपको ये सारी डिटेल जो है STTP.CTET.NIC पे आपको जब फॉर्म वगैरह एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो वो सब पता चलेगा, एडमिट कार्ड जब आता है सारी जानकारी होती है, सब बताया जाता है। अब देखो, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी, आपके काम की जो चीज़ें थी वो मैंने, 2 शिफ्ट में पेपर होगा, ये जुलाई से अगस्त को देखो यहाँ पर दिया गया है, ये शिफ्टिंग देख लो, जुलाई लास्ट से लेकर अगस्त के महीने में ये पेपर कंडक्ट करवाया जाएगा, Shift 1 और Shift 2, 2 शिफ्ट में पेपर होता है, 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक पहला पेपर होगा। ध्यान से मेरी बात सुन लो, आप लोगों का और कंप्यूटर बेस्ड होगा, लिखित पेपर नहीं आएगा वहाँ पर, आपको पेपर हाथ में नहीं मिलेगा, आपको कंप्यूटर पेपर, आपको माउस चलाना, आपको वहाँ पर क्लिक करना आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नहीं दिए हैं तो थोड़ा माउस वगैरह चलाना सीख ली, वहाँ पर फिलहाल बताते हैं, ऐसा नहीं बताते हैं,
क्या करना है कैसे करना है, बाइलिंगुअल पेपर रहता है, हिंदी में भी चीज़ें रहती है, इंग्लिश में भी चीज़ें, आप जो लैंग्वेज चूज़ करोगे उसे आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आपका 2.5 घंटे का पेपर होगा। दूसरा पेपर फिर आपका 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक होगा, और ये आपका 2.5 घंटे का ये पेपर होगा। तो आपके 5 घंटे के ये मतलब आपको ध्यान रखना है, 5 घंटे टोटल आपके पेपर होंगे, और एक ही दिन में दोनों पेपर आपके आराम से उस दिन हो जाएंगे सेम इंस्टीट्यूट में। तो कंप्यूटर के इंस्टीट्यूट या कॉलेज वगैरह होते हैं वहाँ पर ये होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी, जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दी। एलिजिबल हो आप सभी लोग, वैलिड होगा आप सभी लोग, उसके लिए परेशान नहीं होना। अब बात करते हैं कि कौन सा कितने सब्जेक्ट है। आपने बहुत बार पूछा कि मैम कितने सब्जेक्ट, कोई बच्चा राज सर के पास पूछा था कि क्या सब्जेक्ट कभी चेंज होता है, कभी इन सब्जेक्ट का अभी तक सब्जेक्ट नहीं चेंज, जब से पेपर हो रहा यही रहा है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। पहले ऑफलाइन होता था, अब 1-2 साल से ऑनलाइन में लगा है। अब देखो क्या होगा, अब पेपर वन जो होता है वो क्लास 1 से 5 के लिए होता है, प्राइमरी कहा जाता है। अब देखो क्या होगा, 2.5 घंटे का पेपर होगा, 5 सब्जेक्ट आएंगे। पहला सब्जेक्ट चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी का आएगा, जो कि आपका कंपलसरी रहता है, मतलब करना रहेगा। 30 क्वेश्चन MCQ के आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे, लिखना नहीं रहेगा, 30 मार्क्स का होगा, 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। दूसरा पेपर आपका लैंग्वेज रहेगा, लैंग्वेज में क्या रहेगा, हिंदी रहेगा, आप जो लैंग्वेज चूज़ करेंगे वो रहेगा। आपको हिंदी लेना तो हिंदी लीजिए, संस्कृत लेना संस्कृत लीजिए, आपको इंग्लिश लेना तो इंग्लिश लीजिए। आपका लैंग्वेज टू पेपर में भी जो है आपको इंग्लिश लेना तो इंग्लिश लीजिए, हिंदी लेना तो हिंदी लीजिए, ऐसा दो पेपर आपको रहता है लैंग्वेज का, दो में से कोई चूज़ करना होता है। अब वो आपके ऊपर है, आपको जो पसंद हो वो आप चूज़ करेंगे। फिर आप देखिए तो ये भी 30 नंबर का होगा, 30 MCQs आएंगे, 30-30 नंबर का। फिर आपका मैथ होगा 30 नंबर का, 30 क्वेश्चन आएगा मैथ का भी, 30 क्वेश्चन का। फिर आपका इन्वायरमेंट होगा, EVS होगा, वो भी 30 नंबर का, और 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो टोटल मिला के कितना हो गया, 150। इसमें कोई माइनस मार्किंग नहीं है, ये बस ध्यान रखिएगा कि जो बच्चे जनरल है उनका 90 आएगा और 90 से ऊपर आएगा तब वो पास माने जाएंगे, और जो बच्चे OBC हैं उनका 82 का क्राइटेरिया है, ठीक है। OBC वाले जो बच्चे हैं उनका 82 का क्राइटेरिया, तो जनरल वालों को 90 के ऊपर ले आना, अगर 90 ले आओगे तब भी पास माने जाओगे, 90 के ऊपर ले आओगे तो पास ही पास माने जाओगे, लेकिन अगर 90 से कम आएगा तो फेल हो जाओगे। तो ये दोनों होता है, ध्यान रखिएगा। तो ये पेपर है, तो पेपर वन का मैंने बता दिया आप लोगों को इस तरीके से। पेपर टू भी उसी तरीके से होता है, देखिए ये 6 से 8 के लिए होता है, ठीक है। ये भी 2.5 घंटे का पेपर है, पहला पेपर आपका बाल विकास का होगा, इसमें 6 से 8 का सिलेबस रहेगा, 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। दूसरा पेपर भी लैंग्वेज का रहेगा, लैंग्वेज कोई और नहीं हिंदी इंग्लिश ही है, आपको उसमें क्वेश्चन आएंगे, गद्यांश आएगा, पैसेज आएगा, वैसे चूज करके लिखना रहेगा। तो ये भी 30 नंबर का, ये भी 30 नंबर का। उसके बाद फिर आपका मैथ रहेगा। मैं अब एक बात और ध्यान रखना है, जो बच्चे BA वगैरह किए हुए हैं, जो मतलब आपके ग्रेजुएशन में अगर आपने आर्ट साइड के सब्जेक्ट को चूज़ करके BA किया हुआ है, ठीक है, आर्ट साइड के सब्जेक्ट को चूज़ करके अगर BA किया हुआ है, तब आप लोग को सोशल साइंस वाला सब्जेक्ट फिल करना होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, सोशल साइंस वाला। और लेकिन जो बच्चे BSc किए हुए हैं, जो बच्चे BA किए हुए हैं और BA में जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट होते हैं उनसे ग्रेजुएशन किए हैं, तो वो बच्चे साइंस का और सोशल साइंस का ऑप्शन लेके भरते हैं, उनका वो मान्य होता है। और जो बच्चे BSc किए हुए हैं केमिस्ट्री फिजिक्स से इन सभी चीज़ों से रहे हैं, या BBA किए हैं, BCom किए हुए, BCA किए हुए, ऐसे कोई कोर्सेज किए हुए ग्रेजुएशन के, तो वो बच्चे मैथ और साइंस वाला फॉर्म भरते हैं। तो दोनों के ऑप्शंस रहते हैं और उनके पेपर अलग रहते हैं। ये भी आपके ये 60 नंबर के क्वेश्चन रहते हैं, 60 क्वेश्चन होंगे, 30 आपके मैथ के होंगे, 30 आपके साइंस के होंगे, इसमें 30 आपके सोशल साइंस के होंगे, 30 आपके साइंस के होंगे। और 6 से 8 की जो मैथ होती है वो इसमें आएगी, 6 से 8 की जो साइंस होती है वो इसमें आएगी, और दोनों 60-60 नंबर के होंगे। तो अगर कोई बच्चा मैथ और साइंस को चूज़ करता है, जो बी एस सी वगैरह के बच्चे हैं, साइंस के बैकग्राउंड के हैं, तो वो जो बच्चे मैथ लिए हैं उनका 60 होगा, और फिर उनमें उनको ये नहीं देना होगा, और जो बच्चे अगर ये लेंगे तो उनको ये नहीं देना होगा। तो ये रूल होता है, जिनको भरना हो भर सकते हैं, जिनको जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। तो ये भी मैंने आपको क्लियर बता दिया, ठीक है। चलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, जितने आप लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, 5 पेपर रहते हैं, मतलब 5 सब्जेक्ट रहते हैं, 150 नंबर का होता है, पासिंग मैंने बता दिया, सब्जेक्ट क्या क्या है वो आपको मैंने बता दिया। अब देखते हैं, अब एक बार ध्यान रखिएगा, जितना जल्दी आप फॉर्म भरेंगे उतना अच्छा सेंटर आप पाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहले आओ पहले पाओ का नियम रहता है इसमें,
जितना जल्दी आप जाके फॉर्म को फिलअप कराएंगे उतना आपको पाना है। अब एडमिट कार्ड वगैरह जब निकलेगा तो वो डिटेल आपको पूरी वहाँ पर पता चलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें देखिए सिलेबस भी दिया हुआ है लेकिन सिलेबस का इंग्लिश में, इसीलिए आपको शायद मैं ना ही बताना चाहूँ। मैं भेज दूँगी जो बच्चे इंग्लिश बैकग्राउंड के हैं, डीटेल वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए सिलेबस काफ़ी हेल्पफुल होगा। नहीं तो इसका सिलेबस पूरा हिंदी में भी है, तो हिंदी में सिलेबस आपको टेलीग्राम पर भेज दूँगी और हिंदी में मैं एक दिन पूरा सिलेबस का वीडियो एक वीडियो में और बनाकर आपको पूरा सिलेबस भी बता दूँगी क्या सिलेबस है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा चाइल्ड डेवलपमेंट, इतना चाइल्ड डेवलपमेंट आता है, उसके बाद ये लैंग्वेज वगैरह आती है आपको जो लैंग्वेज चूज़ करनी हो, फिर उसके बाद आपका ये मैथ इन्वायरमेंट का सेक्शन आता है और इसी तरीके से आपका दोनों पेपर का रहता है। तो यही है पूरा शेड्यूल जो कि मैंने आपको पूरी डिबार डिटेल में क्लियर बता दिए। ठीक है, तो परेशान ना होइए, चीज़ें आसान है, हो जाएगा, आपको बस पढ़ना होगा। आप सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं, अब आपको अपना निर्णय स्वयं लेना है कि आपको फॉर्म भरना है या नहीं भरना। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो अच्छा रहता है, उसे काफ़ी चीज़ समझ में आती है, क्लैरिटी होती है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप पढ़ पाएंगे तभी आप फॉर्म भरिएगा, वरना आप 1200 का फॉर्म भर दीजिए और पढ़ भी ना पाइए तो ऐसा प्लीज़ मत करिएगा, क्योंकि अभी दिसंबर में फॉर्म फिर आएगा। लेकिन एग्ज़ाम हर बार जब जब फॉर्म आएगा तब तो आपका एग्ज़ाम भी रहेगा, इस बार को ध्यान रखिएगा। तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपका फॉर्म वैलिड है, आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वैलिड होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये पूरी अपडेट मैंने दे दी, आई होप सो। अगर कोई अभी भी डाउट पूछा तो आप टेलीग्राम पर पूछिएगा, या तो यहाँ टेलीग्राम पर मत पूछिए क्योंकि उनको जानकारी नहीं है, वो इस बैकग्राउंड की नहीं है। ठीक है, तो आप मुझसे यहाँ कमेंट बॉक्स में पूछेंगे तो मैं आपको रिप्लाई देंगे। कोई दिक्कत होती तो बताइएगा, चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी, फिर आप लोग का जैसा रहेगा कि आप लोगों को पढ़ना होगा तो हम लोग इसकी क्लासेस भी चलाएंगे और सारी चीज़ें फिर हम आपको बताएंगे। जब आप लोग सारे बहुमत के साथ फॉर्म भरोगे तभी ये चीज़ें हम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में अपनी क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।